Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. If you would recall, it started with the assault on the students of the Film Institute in Pune. Then there was the unfortunate suicide of Rohit Vemula. Then it was the derecognition of the Perrier Study Circle by the IIT in Madras, apparently because they were critical of Prime Minister Narendra Modi. It was stopping the screening of this Kashmiri film, Khoon Diya Barav, in IIT Delhi. It was the vilification campaign launched against the Jawaharlal Nehru University, one of the most prestigious universities in this country. So there is a narrative which the NDA-BJP government has been consistently trying to peddle. And that narrative is that there will be only one voice in this country, and that voice would be of the BJP RSS. If anybody else speaks, he will be thrown into jail. If you question the BJP, you are anti-national. If you question the government, you are a traitor. If you question the establishment, you are downright seditious. Is this the country that millions of people sacrifice their lives to bring into existence? Is this the India that we want? And therefore, it is becoming increasingly clear that the battle for 2019 is going to be between fascism represented by the Bharatiya Janata Party and democracy represented by the progressive and pluralistic forces in this country. This is going to be the battle for 2019. It is not merely the removal of a government and its replacement by another. 2019 is going to be a battle for the very soul of India. मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में दोहरा देता हूं. देखिए, 2 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम वो निरंतर और लगातार प्रवचन करते हैं, तो श्री वेंकैया नायडू के किताब विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि जो अनुशासन की बात करता है उसे तानाशाह करार दिया जाता है, मोटे मोटे तौर पे. अब ये अनुशासन बहुत ही एक पेचीदा शब्द है, क्योंकि अनुशासनवाद, तानाशाही,
और फासिसीवाद में बहुत ही कम अंतर है। और ये शब्दों के माया जाल में उलझाने की कोशिश है। ये जो अनुशासनवाद है, ये सीधा सीधे तौर पे फासिसीवाद का दूसरा नाम है। और इस फासिसीवाद का अद्भुत प्रदर्शन आपको कल तमिलनाडु में देखने को मिला, जब एक 28 साल की महिला जो कनाडा से वापस आ रही थी अपनी पढ़ाई करने के बाद, चेन्नई से ट्यूटिकॉर्न जा रही थी, उसने कथाकथित तौर पे भाजपा के जो तमिलनाडु की अध्यक्षा हैं, जो उस विमान में चल रही थी, शायद उनको देखकर ये कहा कि फैसिस्ट बीजेपी डाउन डाउन। और उस भाजपा के तमिलनाडु की अध्यक्षा ने क्या किया, उसको जेल भिजवा दिया 15 दिन के लिए, ऐसी धाराओं के तहत जो अगर गलत तरीके से लगाई भी जाए, अगर उनके तहत फर्जी मुकदमा बनाया भी जाए तो उसमें बेल होती है। और सिर्फ इतना कहने पे कि फासिस्ट बीजेपी डाउन डाउन, 15 दिन न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया। अब अगर ये फासिसीवाद नहीं है तो इसे और क्या पाप परिभाषा दे सकते हैं। कल की घटना से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि इस देश में अघोषित आपातकाल है। देयर इज एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन दिस कंट्री। और कल जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये सिर्फ बोलने और लिखने की आजादी के ऊपर आघात नहीं है, ये सिर्फ संविधान में जो दिए गए मूलभूत अधिकार हैं उनके ऊपर प्रहार नहीं है, ये भारत के संविधान के ऊपर, भारत के लोकतंत्र के ऊपर, और जो आजादी का ख्याल है, जो भारत का ख्याल है, जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, ये सीधा सीधा उसके ऊपर आघात है। और ये कोई पहली बारी नहीं हो रहा। पिछले हफ्ते आपने देखा कि किस तरह 5 लोगों को मुल्क के अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया गया। हम उनके ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर हम इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते हैं कि इस देश में हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है। और इसीलिए जब अदालतों ने पूछा, उच्चतम न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने, बंबई उच्च न्यायालय ने जब पूछा कि भाई गिरफ्तार क्यों किया है, तो उसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं आया है। पर हां, एक सार्वजनिक तौर पर कोशिश की गई, जैसे अक्सर फासिसी ताकतें करती हैं। इसमें जर्मनी के जो नाटसी हुक्मरान थे उनकी बड़ी महारत थी।
कि किस तरह से प्रचार प्रसार के माध्यम से किसी की छवि धूमिल की जाए। और इसीलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठीक पूछा उनसे कि अगर जो आपको कहना है वो आप अदालत में कहिए, अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत है। और ये कार्रवाई 2014 से निरंतर चल रही है। 2014 में FTII के छात्रों के ऊपर अत्याचार किया गया। फिर जो इस देश के लेखक थे, गायक थे, कलाकार थे, रचनाकार थे, क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जो एक मानसिक आतंक का माहौल एनडीए बीजेपी सरकार ने बनाया था, उसके खिलाफ अपने अवार्ड वापस किए। उसके बाद रोहित वेमुला की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या हुई। आईआईटी मद्रास में पेरियार स्टडी सर्कल को बंद कर दिया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे। दिल्ली आईआईटी में एक कश्मीर के ऊपर फिल्म, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, उससे देश विरोधी ताकतों का एक अड्डा बताया गया। इसका सबका एक मकसद था कि इस देश में सिर्फ एक आवाज होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी राय रखने की कोशिश करे तो उसको जेल में डाल दो। और मैं इस सरकार के जो बहुत ही चहेते मीडिया चैनल हैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि जिस फासिसीवाद का आप ढंडोरा पीट रहे हैं ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जो आज प्रगतिशील शक्तियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन ये आपसे नाराज हो गए क्योंकि गलती से कहीं आपने एक आध कहानी इनके खिलाफ कर दी, तो आप भी इनके हत्थे चढ़ोगे। जरा ध्यान से ऐसी ताकतों का समर्थन करना। क्योंकि ये जो एक माहौल बनाया गया है इस देश में कि अगर आप भाजपा के खिलाफ हो तो आप देशद्रोही हो, अगर आप सरकार से सवाल पूछते हो तो गद्दार हो, और अगर आपने कोई एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछ लिया तो आपके खिलाफ घोर राजद्रोह के जो फौजदारी के कानून में सेक्शन है वो लगाए जाएंगे। इस ऐसे मुल्क के लिए लाखों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, तो इसलिए ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि 2019 का चुनाव ये जो अघोषित आपातकाल है, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस मुल्क में, उसको खत्म करने के लिए है। और ये 2019 की लड़ाई महज दो राजनीतिक पार्टियों में, दो राजनीतिक विचारधाराओं में लड़ाई नहीं होगी। ये एक फासिसी विचारधारा जिसका भाजपा नेतृत्व कर रही है
और एक लोकतांत्रिक विचारधारा जिसका कांग्रेस और बाकी प्रगतिशील पार्टियां नेतृत्व कर रही हैं, ये लड़ाई इन दोनों विचारधाराओं के बीच होगी। धन्यवाद। द फ्लोर इज ऑल योर्स। ये दोबारा से एक मिनट सवाल पूछेगा। देखिए, आरबीआई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जो आम चलन की शब्दावली है इस मुल्क में, राजनीतिक दल भी हैं जो जिनके आगे दलित लगा हुआ है, और एक जो राजनीतिक शब्दावली है उस राजनीतिक शब्दावली में ये सामान्य तौर पे इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। अब अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये भी तय करेगा कि आपकी जबान से जो शब्द निकले वो शब्द वो होना चाहिए जो उनको मंजूर है, कि आपकी जबान से जो शब्द निकले वो शब्द भी ऐसा होना चाहिए जो सरकार को मंजूर है, तो आप सोच लो मित्रों, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे आपके साथ क्या होगा। वेल, दीज आर टर्म्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन द पब्लिक डिस्कोर्स, एंड सो देयरफॉर इफ द government ordains or the INB ministry ordains that the language which you use in your reportage should also be one that is pre-cleared by them, how else would you characterize this advisory except calling it censorship? And my request to all those media outlets who have been supporting this spectre of censorship, that they should introspect. When you sow the wind, you reap the whirlwind.